हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे ना, एक कार है ठीक है जिसका व्हील, ठीक है जिसका व्हील्स क्या है, व्हील्स का डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब कि हर टायर का डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर एक टायर है ठीक है उसका डायमीटर कितना दिया हम लोग को 80 सेंटीमीटर। अब आगे देखते क्या कह रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, ठीक है क्या कह रहा है, हम लोग से पूछ रहा है 10 मिनट में, ठीक है 10 मिनट में जो व्हील है, ठीक है व्हील है वो कितना रिवॉल्व करेगा, ठीक है मतलब कितना घूमेगा 10 मिनट में, मतलब कितना घूमेगा, एक ऐसे दो तीन कितना घूमेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो और आगे क्या कह रहा है, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार है वो कितने की स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से चल रही है। ठीक, तब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया था वो देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए डायमीटर दिया है किसका, टायर का मतलब व्हील का दिया है हम लोग को, तो लिख देंगे द डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक है कितना है हम लोग का 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, तब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा 80/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 2 × 1 = 2 ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 0। ठीक है सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है, ठीक है अब हम लोग को सबसे पहले ना इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि 10 मिनट में कितना रिवॉल्व हो, मतलब कितना घूमेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है देखिए ये हम लोग का क्या है, व्हील है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, जमीन है। ठीक है, रोड है मतलब सड़क है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब ये जो व्हील है ठीक है वो घूमेगा, ठीक है जब वो घूमेगा ठीक है तो इसका ये किनारे वाला ये पार्ट क्या होगा, जमीन में टच करेगा। ठीक है, यही पार्ट क्या करेगा, जमीन में टच करेगा, ऐसे ऐसे घूमते जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तब हम लोग को निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, देखो टोटल डिस्टेंस ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक, अब देखिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है हम लोग को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना, तो देखिए कैसे निकले, ये फॉर्मूला है ठीक है स्टूडेंट, ये निकालने का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ टाइम भी दिया और स्पीड भी दिया है। ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, ठीक है ये कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया ये क्या हम लोग का व्हील है। ठीक है, ये और हम लोग का सड़क है, रोड है। ठीक है, तो इसका ये जो किनारे वाला पार्ट है ये क्या करेगा, जमीन में मतलब क्या करेगा सटेगा, और हम लोग इसी से निकालेंगे मतलब कि एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो, ये घूमते घूमते जाएगा यहाँ, तो एक बार में मतलब एक बार में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, क्योंकि किनारे का पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है दो ही फॉर्मूला सर्कल का, एक एरिया और एक सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो इसका क्या, किनारे वाला पार्ट क्या करे, जमीन में सटेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है कि एक बार में उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, एक बार में कितना डिस्टेंस होगा, तो ये किनारे वाला पार्ट सटेगा, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग का, 2πr। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट, ठीक है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, 2πr क्यों लिखे पता चल गया, ये सर्कल क्या कर रहा है, जमीन में टच कर रहा है, और इसका किनारे वाला पार्ट टच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हम लोग को देखना एक बार में कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो चलिए मतलब
ट्रैवल करेगा या एक बार में कितना डिस्टेंस वो तय करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या हो जाएगा, टू, ठीक है, पाई, ठीक है, पाई को रहने दीजिए। आर कितना हो जाएगा हम लोग का, 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखें यहाँ पे क्या हम लोग को क्या क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ, ठीक है, टाइम कितना दिया यहाँ पे लिख देते, ठीक है, हम लोग को निकल गए सर्कमफ्रेंस। अब देखिए टाइम कितना दिया हम लोग को, टाइम कितना दिया स्टूडेंट, देखिए 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट है, ठीक है सर। और यहाँ पे स्पीड कितना दिया हम लोग को, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना दिया 66 किलोमीटर पर आवर हम लोग को दिया स्पीड, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो देखिए, देखिए कैसा प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग का रेडियस सेंटीमीटर में, सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में, ठीक है, और ये दोनों के एक मिनट में और एक किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग को इसका जो यूनिट है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यूनिट अलग अलग रहेगा तो हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग टाइम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, टाइम को चेंज कर देते हैं हम लोग आवर में, ठीक है, टाइम को चेंज करेंगे आवर में, ठीक है, 10 मिनट है, ठीक है, कितना मिनट है, 10 मिनट है, तो देखिए 10 मिनट है, तो एक एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है, तो देखिए मिनट को चेंज कर रहे हैं किसमें, 10 मिनट को चेंज कर रहे आवर में ना, घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यही कहते हैं आप लोग जानते हैं क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1/6 आवर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कभी भी स्टूडेंट छोटा से जब भी बड़ा जाते हैं, छोटा से बड़ा जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करते हैं, बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तब हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट अब देखिए हम लोग का ये दोनों आवर आवर में आ गया, तो हम लोग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, पहले हमने बहुत बार पढ़ा है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड हम लोग का कितना दिया, स्पीड हम लोग का दिया 66 इंटू टाइम कितना दिया हम लोग का 1/6, कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 1 6 6 1 6 यानी कितना गया 11, ठीक है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस कितना गया 11 किलोमीटर। अब देखिए ये किलोमीटर में, ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में स्टूडेंट, ठीक है, डिस्टेंस क्या हम लोग किलोमीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हम लोग ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो चलिए इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, डिस्टेंस हम लोग का क्या था, चलिए इस पेज में भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, डिस्टेंस हम लोग का कितना है, डिस्टेंस हम लोग का 11 किलोमीटर, ठीक है, तो इसको हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, ठीक है, सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1000, ठीक है, 1000 मीटर, और एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे, तो किससे गुना करेंगे, हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब तो मीटर में चेंज हो गया, अब मीटर को किस में चेंज कर, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का देखिए सर, देखिए टोटल डिस्टेंस भी निकल गया, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस हम लोग ने निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया हम लोग ने, ठीक है, और क्या निकाला, डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन, मतलब कि एक बार में, मतलब ठीक है एक बार रिवॉल्व करके तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हम लोग ने इससे निकाले इस फॉर्मूला से, ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्या है हम लोग का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डिस्टेंस देखिए टोटल डिस्टेंस हम लोग का ये आया, ठीक है, इसको लिख देंगे 1100000 डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन हम लोग का कितना है, हम लोग का है 80 पाई, कितना है 80 पाई, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे 80 पाई, ठीक है, आप देखिए पाई का वैल्यू भी हम लोग पुट कर देंगे 5, ठीक है, 80 पाई का भी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 22, और 7 क्या कहेगा ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ठीक है,
लिख दिया, इसका वैल्यू पुट कर दिया, 22 नीचे और 7 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखिए 11 का टेबल में आएगा 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 वन ज़ा जैसे 11 वन ज़ा 11 0 0 0 0 0 ठीक है, यहाँ पे 11 टू ज़ा 22। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 से भी कट रहे, फिर से कट रहे, काट देते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10। ठीक है, 2 फाइव ज़ा 10 कितना जीरो बचा, 3, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कितना बचा हम लोग का, ये है ऊपर में 5000, नीचे 8 है। ठीक है, ये एक बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 वन ज़ा 8, ठीक है, ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 8 8, फिर 8 8 8 जो भी कुछ, 8 6 48। ठीक है, 8 6 48 क्या किया, 50 में से 48 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, 8 9 16 8 2 16। ठीक है, 20 में 16 घटा के 4 4 कहाँ जाएगी, इधर तो 8 5 40। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपका इतना आ जाएगा 625। ठीक है, अब ऊपर में हम लोग को क्या बचा, 625 इंटू 7। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35। ठीक है, 3 7 7 2 14 14 15 16 17 17 का 1। ठीक, फिर 7 6 42 और 1 45। ठीक है स्टूडेंट, यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।